हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरिशिंग समृद्धि। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पहला मीशो का ब्लाउज़ हॉल। मैंने पहली बार मीशो से कुछ ब्लाउज़ को ऑर्डर किया है। ये थोड़ा सा सिंपल डेली वेयर पर्पज़ के लिए हैं, बट आपकी साड़ी थोड़ा सा हैवी है, डिज़ाइनर है, तो आप डिज़ाइनर साड़ी के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट पैटर्न के ब्लाउज़ को ट्राई किया है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से ब्लाउज है मेरे पास। वीडियो अच्छी लगेगी तो रिक्वेस्ट है सभी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब बिना किसी फालतू बातों के जल्दी से हम ब्लाउज़ को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो पहला ब्लाउज़ है ये कॉम्बो में था, मतलब इसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके के कॉम्बो थे। तो मैंने पहला जो ब्लाउज़ मंगाया है ये कॉम्बो सेट से है। इसमें एक कॉम्बो में मुझे 2 ब्लाउज़ पीस रिसीव हुए थे। तो ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ है, स्लीवलेस ब्लाउज़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वाइज। तो ये इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। इसका नेक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी सी कटिंग में है। स्लीव्स का जो ये पैटर्न है काफ़ी अच्छा सा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा है या आड़ा तिरछा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ कि इतने सस्ते ब्लाउज़ में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये बैक साइड से आपको ये क्लोज़र मिलेगा, मतलब आपको इसे बैक साइड से बंद करना पड़ेगा। तो बैक साइड से डीप नेक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि सिंपल ब्लाउजेस काफ़ी अच्छे लगते हैं और आप अच्छे से साड़ी से स्टाइल करते हैं तो साड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये तो था ब्लाउज़ का डिज़ाइन और इसमें अंदर ये इस तरीके के कप्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऑनेस्टली कि फ्रेंड्स, कप्स की क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, थोड़ा सा एवरेज ही लग रहे हैं। बात करेंगे ब्लाउज़ के फैब्रिक की तो ये ऊपर से शाइनी और हल्का सा रफ काइंड ऑफ फैब्रिक है, बट काफ़ी अच्छा है, शाइन है इसमें, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ऐसे देख सकते हैं कि शाइनी सा फैब्रिक है। कम्फर्टेबल वेयर के लिए इन्होंने इसमें ये अंदर की साइड से इनर प्रोवाइड कर रखा है। इनर जो है ये कुछ कॉटन में कुछ मिक्स टाइप का लग रहा है, मतलब प्योर कॉटन का इनर नहीं है, कुछ मिक्स फैब्रिक का इनर है। ब्लाउज़ के कलर से काफ़ी अच्छा मैचिंग भी है इसका। और अगर आप जो है शॉर्ट स्लीव्स या स्लीवलेस ब्लाउज़ को प्रेफर नहीं करते हैं तो भी आप इससे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से आपको ब्लाउज़ के अंदर शॉर्ट स्लीव्स दे रखी हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगी इसे स्लीवलेस पहनना क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बट आप अगर चाहें तो परचेज़ करने के बाद स्लीव्स लगा सकते हैं। ब्लाउज़ का कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कॉम्बो में से जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसी के साथ मिला हुआ हमारा दूसरा पीस। सो फ्रेंड्स, दूसरा मेरे पास ग्रीन कलर में, इस तरीके का जो ग्रीन कलर है वो नहीं था तो मैंने इसे परचेज़ किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, मेहंदी कलर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो सेम ही डिज़ाइन है इसका भी क्योंकि ये कॉम्बो में था। तो ये पान की पत्ती जैसा कुछ डिज़ाइन है इसके नेक में और उसी तरीके का सेम, बट ब्लू से थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी है फैब्रिक लग रहा है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और स्टिचिंग भी मुझे ठीक ठाक लग रही है, मतलब आप 150 रुपये का अगर ब्लाउज़ ख़रीदें तो इससे ज़्यादा ही क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टिचिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन है, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और सबसे खास बात इंटरलॉकिंग भी प्रोवाइड की गई है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि अगर आप 200-250 रुपये के ब्लाउज़ परचेज़ करते हैं तो उनका फैब्रिक अलग से थ्रेड निकल रहे होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है अगर आप इसको थोड़ा सा लूज़ या टाइट कराना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करवा सकते हैं। इसमें भी सेम फैब्रिक का इनर दे रखा है। तो ऑल ओवर मैं कहूँगी कि ये ब्लाउज़ मुझे काफ़ी पसंद आया। 310 रुपीज़ में ये एक स्टील डील है, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आपको ब्लाउज़ परचेज़ करना है तो। इसके बाद मेरे पास है, मैंने कुछ थोड़ा सा स्लीव में भी ट्राई करके देखा तो ये ब्लाउज़ मीशो पर अवेलेबल है 194 रुपीज़ में और इसमें मैंने एक ब्लाउज़ 194 रुपीज़ में परचेज़ किया है। तो ये कुछ इस तरीके का, जैसे हम टी शर्ट पहनते हैं कॉटन फैब्रिक में, स्ट्रेचबल होती है, कॉटन स्पेंडेक्स मिक्स, तो ये इस टाइप का ब्लाउज़ है। तो इसमें ये दिया हुआ है आपको फ्रंट का पोर्शन विद राउंड नेक, पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था इस तरीके से। फिर हम देख लेते हैं इसका बैक पोर्शन, तो ये बैक इस तरीके से पूरा प्लेन दिया हुआ है। और इस ब्लाउज़ की जो है स्लीव्स बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो ये जो इनका स्लीव्स है ये नेट का है, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, तो पहनने के बाद जब ये फिटिंग ले लेता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि 194 रुपीज़ में आप इसको गर्मियों में या
आप अपना किसी भी यूज़ कर सकते हैं क्रॉप टॉप के जैसे भी, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था ये पहनने के बाद। जो आपकी लाइट वेट साड़ीज़ होती हैं, शिफॉन हो गई, जॉर्जेट हो गई, जो लाइट वेट है उनके साथ आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा पीस, ये मैंने थोड़ा सा डार्क मरून मुझे लग रहा था जब मैंने इसे मीशो पर देखा, बट ये मुझे कुछ फूशिया कलर, डार्क फूशिया कलर में रिसीव हुआ है, बट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है दूसरा, इसमें आगे से सेम डिज़ाइन दिया हुआ है और ये राउंड नेक में है। इसके बाद ये इसका बैक पोर्शन है, ये भी राउंड नेक में ही दिया हुआ है, कपड़ा सेम है दोनों का ब्लैक के साथ ही, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो आपके फिगर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। वैसे इसमें जो साइज़ है उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपका जो भी साइज़ हो आप उसके हिसाब से परचेज कर सकते हैं। स्लीव्स में इस तरीके की नेट और डिज़ाइन प्रोवाइड की गई है, तो ये भी पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। पर पीस मुझे 194 रुपीज़ में पड़ा, और इसके साथ क्योंकि फ्रेंड्स ये वैसे ही कॉटन स्पेंडेक्स मिक्स है तो इसमें कोई इनर प्रोवाइड नहीं किया गया है, बहुत ही कम्फर्टेबल फिट है अच्छी फिटिंग के साथ। ये 4 ब्लाउज पीस मैंने परचेज़ किए हुए हैं। आगे आप मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें तो आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें इनका ट्राई ऑन देखने को मिल जाएगा। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।